तो कैसे आप लोग लोग तब तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से लेके आ गया हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले पोकेमोन यूनाइट। तो जैसा कि हम लोग 3000 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं एंड मैंने भाई आप सभी को वादा करा था कि 3000 पहुंचने के बाद मैं गिव अवे करूंगा। VIP 3 का गिव अवे मैं फिर से करने वाला हूं। तो गिव अवे का भाई रिजल्ट तो आप लोग को कल मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कमेंट किस में करना। तो भाई कमेंट ये वाले वीडियो में करो भाई, जो भी कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, डबल ट्रिपल कमेंट मत करना ज़्यादातर। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना, वरना ज़्यादातर कमेंट मत करना, लेकिन एक ही कमेंट करना। जो भी कमेंट करो, कमेंट नहीं करना है तो बस डॉट छोड़ देना। तो मैं बस रैंडमली पिक करूँगा, आप सभी में से कोई भी हो सकता है वो विनर। तो ये विनर VIP का विनर मैं कल चूज़ करूँगा। तो इसीलिए आपको कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है एंड भाई कमेंट उसी का पिक होगा जो सब्सक्राइब करा हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये कमेंट पिक नहीं होगा। एंड गाइज एक और रिक्वेस्ट है, इसे लाइक कर देना प्लीज़ यार, ये वाला वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करते हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है एंड हो सके तो शेयर भी करना, आजकल व्यू थोड़ा कम हो रहा है। तो चलिए आगे वीडियो में आप लोग चलो एंड आपका टाइम वेस्ट करने के सॉरी। तो VIP गिव अवे के लिए आप लोग को बस भाई पार्टिसिपेट करने के लिए बस कमेंट करना है। तो आगे की वीडियो आप लोग देखो, बहुत ही ऑसम गेम प्ले होने वाला है ये। तो मैंने पोकेमोन यूनाइट भाई गेम, इसका गेम ही 10 मिनट का होता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लेके डायरेक्ट स्टार्टिंग में जाकर कर लेता हूँ। तो हम लोग एक नॉर्मल मैच खेलने वाले हैं, ये रैंक्ड मैच नहीं होने वाला क्योंकि रैंक्ड मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैं अभी ग्रेट में ही हूँ सिर्फ। तो देख लेते फटाफट कैसा रहता है ये गेम। तो भाई मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा नूब हूँ। तो ये नूब गेम प्ले है, तो आप लोग देख लेना कैसा मैं खेलता हूँ। तो और सब पोकेमोन को तो मैं सही से नहीं कर पाया अभी तक, तो मैं विनोसौर को ही अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और सब पोकेमोन भी अच्छा है, लेकिन मैं अभी तक उन्हें पता नहीं क्यों मुझे उतना अच्छा कैपेबल वो लोग नहीं लगते हैं। तो मैंने गलती से यहाँ पर एप्सोल ले लिया था, जो कि मैंने 10,000 कॉइन में ख़रीदा था, वो मेरा बहुत ही बड़ा गलती था गाइज। मैंने ऐसे रैंडमली एक पोकेवेंजर को देखा था जो एप्सोल से बहुत ही अच्छा खेल रहा था एंड भाई मैंने वही चूज़ कर लिया एंड वो मेरा बहुत ही बड़ा गलती था। पर कोई बात नहीं, मैं अब विनोसौर को लेके खेलूँगा, देखता हूँ कैसा रहता है एंड बैटल लीप में जाके देख लेते हैं। एंड यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का गियर इन्हें दिया है एंड हम थर्ड गियर भी दे सकते हैं, पहले मैं थर्ड गियर नहीं दे सकता था। तो स्पेशल अटैक ये बढ़ाता है, तो चलो यही हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं फिलहाल के लिए। एंड ये बंदा पता नहीं कब गेम स्टार्ट करेगा एंड फटाफट ये गेम बस स्टार्ट हो जाए। तो गाइज इस गेम ऐसा होने वाला भाई, हमारे पास ग्रीन निंजा है, मैम सोविन है, वेनोसौर है, चारिजार्ड है, एल्डिगोस है एंड नीचे वाले के पास लुकारियो है, एलोरन नैनटेल है, पिकाजू है, चारिजार्ड है एंड सेल्वोयन है। आई डोंट नो, मुझे प्रोनाउंस करना बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है मैं बहुत ही घटिया प्रोनाउंस करता हूँ, पर जो भी है गाइस ये गेम लगता तो है हम लोग जीत जाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छे पोकेमॉन्स है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग सबसे पहले फार्मिंग कर लेते हैं, क्योंकि फार्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने देखा है इस गेम में। तो सबसे पहले हम लोग लेजर रिप ले लेंगे एंड फटाफट मैं इसे मार देता हूँ। फार्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप लोग ये गेम खेलते हो तो। मैं उतना बड़ा प्रो नहीं हूँ, बस मुझे इतना पता है कि इसमें फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने इस दोनों को मार दिया एंड अब इसे भी मैं फटाफट मार देता हूँ। एंड ये सबको मारने से क्या होता है, आपका लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है एंड आगे ओपोनेंट को आप लोग ईजिली हरा पाओगे अगर आपका लेवल ज़्यादा हुआ तो। एंड मैं इसे भी मार देता हूँ एंड यहाँ पर हो गए या नहीं, इसे तो हम लोग ईजिली मार लेंगे। एंड आगे बीज आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो हम लोग अब बीज के पास जाएंगे एंड बीज को मारेंगे। जितना ज़्यादा फार्मिंग हो उतना ज़्यादा लेवल सही रहता है। देखो मेरा लेवल 4 एंड मेरा टीममेट का लेवल 3 है, तो उस हिसाब से अगर टीममेट मुझसे फाइट करने आता तो मैं उसे ईजिली हरा दूँगा। एंड यहाँ पर एक पिकाजू आ चुका जिसे तो मैं इजीली मार दूंगा पिकाजू को, लेकिन गाइज उन लोग की टीम से भी आ रहा है, लेकिन मैं पिकाजू को एटलीस्ट मार ही दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे इजीली मार लिया क्योंकि वो 3v2 था एंड मेरा पोकेमोन पता नहीं कुछ नहीं कर पाया। मेरा पोकेमोन बोल रहा हूँ, मेरा टीममेट जो था वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हम लोग जाके देख लेते हैं
एंड भाई ऊपर लुकारियो वगैरह है एंड इससे मैं मार दूंगा लुकारियो को एटलीस्ट। अबे लुकारियो मत भाग बे, मत भाग भाई, लुकारियो को एटलीस्ट मैं मार ही दूंगा गाइस। हाँ भाई लुकारियो को मार लिया एंड ये 20 को भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि 20 एंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई ये सब। एंड वहाँ से उसका ओह तो इसने मेरा 20 लगभग ले ही लिया था लेकिन इसे मैं मार दूंगा इजली। तो यहाँ पर हम लोग पेटल डांस लेते हैं एंड जाके गोल तो मैं करने वाला था लेकिन गोल नहीं करते हैं, पहले लुकारियो को मार लेते हैं। लुकारियो मारने से पहले हम लोग भाग लेते हैं भाई। चलो सही टाइम में भाग लिया हमने तो अभी तो लुकारियो मार ही देता। यहाँ पर मैं लुकारियो को इजली अब मैं मार ही दूंगा, मुझे समझ में आ गया है एंड हमारा लेवल भी बढ़ चुका है एंड फाइनली अब गोल हम कर लेते हैं। वरना तो गाइज अगर गोल नहीं करा तो भाई 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 भाग ले यार भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो गया था मैं, मुझे गोल कर देना चाहिए था लेकिन मैंने गोल नहीं करा। एंड चलिए फटाफट अब फिर से जाके हम लोग अब गोल कर लेते हैं क्योंकि वहाँ बस सिर्फ और सिर्फ 13 है एंड ऊपर फिर से लुकारियो आ चुका है। यहाँ पर उन लोग का फिर से 2-3 पोकेमोन आ गए लेकिन हम मार देंगे उसे। यहाँ पर गाइज अब 20 को मैं ले लेता हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा फार्मिंग उतना ज़्यादा लेवल, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन उनका यहाँ पर लुकारियो आया तो लुकारियो को भी हम लोग ईजिली टेक डाउन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर अब गोल मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था गाइज क्योंकि अब हमें गोल नहीं मारेंगे तो हम लोग मतलब एक बार यार मैं पूरा गोल मारने ही वाला था लेकिन मुझे आकर उन लोग के पोकेमोन ने मार दिया था तो इसीलिए मैंने फटाफट इस बार गोल मार लिया है। एंड फिर से हम लोग थोड़ा बहुत फार्मिंग कर लेते हैं जिससे कि हमें कुछ पॉइंट्स मिले। एंड यहाँ पर भाई रॉटम आ चुका था एंड रॉटम को भी हम लोग ईजिली मार लिए। देखो रॉटम मार लेते तो रॉटम अपने साइड रहता है एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है अपने पोकेमॉन्स अपने टीम्स के लिए इसीलिए। एंड यहाँ पर लुकारियो आया था भाई, यहाँ पर क्या ही तबाही मचाया था हमारी टीम ने, सारे के सारे टीममेट एक जगह पे थे और जितने भी उन लोग के पोकेमॉन आए थे भाई ईजिली हम लोग टेक डाउन कर रहे थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही ईजिली हम लोग मतलब आगे वाले जितने भी ये ले रहे हैं, लुकारियो आया था बहुत ही ईजिली मार लिया था हमने। एंड अभी देखना आगे यहाँ पर फिर लुकारियो आया एंड फिर लुकारियो को हम लोग ईजिली मार लेंगे क्योंकि भाई ऑब्वियसली हम लोग 4 है शायद इधर एंड वो अकेला था एंड हम लोग यहाँ पर ईजिली यहाँ पर ये वाला बेस शायद से ले लेते हैं। एंड ये वाला बेस हम कॉन्करर लगभग कर ही दिए थे लेकिन और थोड़ा फार्मिंग करने के बाद हम लोग कॉन्करर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग ऊपर थे तो नीचे ओपोनेंट का टीम भी था एंड नीचे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन इंजा था एंड ग्रीन इंजा जो भी है डिफेंस कर रहा था लेकिन उन्होंने भी हमारा एक बेस ले लिया था, हमने भी उन लोग का लगभग एक बेस ले लिया था। एंड भाई ये मैच देखना आखिरी में क्या ही ज़्यादा ऑसम रहता है। एंड यहाँ पर मैं जस्ट वेट कर रहा था कुछ पोकेमॉन आने का लेकिन उन लोग में से कोई पोकेमॉन नहीं आया एंड हमने नॉर्मली ये वाइल्ड पोकेमॉन को ईजिली मारा एंड थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा था। एंड ये गेम में लगभग मेरा लेवल ज़्यादा ही था एंड यहाँ पर लुकारियो आ गया एंड लुकारियो को हम लोग मारने का कोशिश कर रहे थे लेकिन लगभग मुझे यहाँ पर लुकारियो मार ही दिया था। एंड यहाँ पर मुझे लुकारियो ने मार ही दिया क्योंकि मेरा जो पोकेमॉन था मेरे साथ जो डिफेंसिव पोकेमॉन था मेरा टीममेट तो वो भी भागने का कोशिश कर रहा था एंड मैं भी लगभग भागने का कोशिश ही कर रहा था, उसके कारण लुकारियो ने हम दोनों को ईजिली मार दिया। एंड गाइस यहाँ पर 40,000 गोल करने के लिए आ गया था लेकिन मैंने उसे गोल करने से बचा लिया। एंड यहाँ पर उन लोग का 3 पोकेमॉन आ गया था जिससे कि मैं डर गया था मैं मर जाऊँगा। हमारा 40,000 आ गया था जो कि मैं उस टाइम में भी सोचा था मैं मर जाऊँगा लेकिन उसके बाद हमारे पांचों टीम एक जगह पे आ गए एंड हमने उनका तीनों पोकेमॉन मार लिया। भाई यहाँ का बसर क्या ही मज़ा आया खेलने में। एंड उसके बाद हमने फिर से कुछ कलेक्ट करा एंड मैंने फिर से अपना हेल्थ बढ़ाने की कोशिश करा एंड यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन का देखा इसका एचपी थोड़ा ज़्यादा नहीं था तो इसे भी मैंने ले लिया। भाई यहाँ पर मैंने यूनाइट मूव का बहुत ही कम यूज़ करा ये वाले गेम में क्योंकि भाई पेटल डांस बहुत ही ज़्यादा ऑसम मतलब मूव लगता है मुझे पेटल डांस। एंड भाई पेटल डांस एंड यूनाइट मूव तो भाई ऑसम है ये लेकिन यहाँ पर मैं यूनाइट मूव देखो मैं कहाँ पर करता हूँ, कितना बड़ा नूब हूँ। एंड यहाँ पर भी हम लोग वर्सेस उन लोग का पोकेमॉन था भाई, उन लोग का भी पल्ला उतना ही भारी था जितना हम लोग का था लेकिन यहाँ पर हम लोग लगभग उनका सारे के सारे पोकेमॉन को हरा देते हैं। एंड यहाँ पर मैं फटाफट पीछे भाग जाता हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी एचपी नहीं था एंड यहाँ पर बेरी था तो मैंने बेरी खा लिया लेकिन मैं फिर से मैं सोचा बेस में चला जाता हूँ जिसके कारण मेरा फुल एचपी हो जाए।
एंड फिर से मैं उधर ही जंप नहीं करा था, मैंने नीचे जंप करा क्योंकि मैंने देखा भाई नीचे भी बहुत ही सारे पोकेमॉन ले रहे थे एंड यहाँ पर एक वाइल्ड पोकेमॉन था जिससे कि मैंने इजीली मार लिया। भाई वाइल्ड पोकेमॉन इज सो इजी टू कॉन्कर, तो इसीलिए मैंने इजीली मार लिया। एंड यहाँ पर भाई हम लोग जा रहे थे, अब यहाँ पर हमारा एक बेस टेकडाउन था, उन लोग का एक बेस टेकडाउन था, लेकिन हमारा एक और बेस टेकडाउन होने ही वाला था। यहाँ पर भाई देख सकते हो इसे मैं इजीली मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई वो इजीली मुझे बचा बचा के भाग जाती है एंड मैं उसके पीछे करता हूँ, लेकिन मुझे फिर लगा कि भाई उसका HP ज़्यादा है इसीलिए मैं पीछे भाग गया, लेकिन वो फिर से आए मुझे कंकर करने जिसके मैं भाग गया। एंड यहाँ पर उनका दूसरा पोकेमॉन भी आ चुका था। भाई यहाँ पर देखो क्या हो गया था, मेरा वो टीममेट वो ऑफलाइन था भाई, जैसे तैसे मैं इसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उधर से फिर उन लोग का पोकेमॉन भाई सपोर्ट के लिए आ गया। यहाँ पर उन लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ मुझे लगा कि मैं बच जाऊँगा घास के पीछे, लेकिन एंड फिर भी नहीं बचा, मुझे उसने देख लिया लेकिन मैं बचा बचा के भाग गया। एंड फिर से मैं एक बार बेस की तरफ गया क्योंकि मेरा HP बहुत ही ज़्यादा कम था एंड फिर से मैं वहीं पर जंप करा जिससे कि हम लोग यहाँ पर देखो हम लोग का दो बेस ख़त्म हो चुका है एंड उन लोग का हम लोग का दो बेस ख़त्म हो चुका है, उन लोग का एक बेस ख़त्म हो चुका है। एंड भाई टाइम सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड था एंड यहाँ पर मैंने ये बी को मारा और यहाँ पर मैंने टाइम वेस्ट करा जो है। एंड भाई यहाँ पर हम लोग का टीममेट ने दूसरा बेस भी ले लिया था, मतलब दो बेस उन लोग ने लिया था, दो बेस हम लोग ने लिया था। अब भाई यहाँ पर भाई नेक टू नेक कंपटीशन था, यहाँ पर 28 सेकेंड था एंड मेरे पास देखा मेरे पास 40 बॉल्स है, तो 40 बॉल्स को मैंने गोल कर लिया जो कि 40-80 हो जाता है, मतलब अगर लास्ट राउंड में आपको 40 का 80 हो जाता है। एंड यहाँ पर मैंने लिया, मैंने सोचा फिर से मैं कोई पोकेमॉन को मारूं, लेकिन यहाँ पर कोई पोकेमॉन नहीं था इसलिए मैंने वाइल्ड पोकेमॉन को इसे मारने का कोशिश करा। एंड यहाँ पर देखना मैंने यूनाइट मूव कहाँ पर यूज़ करा गाइस, एंड वो मेरा बहुत ही बड़ा गलती था। एंड यहाँ पर मैं पेटल डांस यूज़ कर रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने पेटल डांस यूज़ करा एंड जाके मैंने गोल करने का कोशिश कर ही रहा था, लेकिन मैंने गोल नहीं कर पाया एंड गोल नहीं कर पाया, ये लास्ट वाला गोल जो लगा वो नहीं था। लेकिन भाई आप लोग देख सकते हो कितना क्लोजली, कितना ज़्यादा क्लोजली मैंने ये मैच जीता है। एंड भाई इसी तरह भाई बहुत ही मज़ेदार गेम हम लोग का गया एंड यहाँ पर मैंने MVP भी ले लिया था। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप आप सभी को ये वाला गेम प्ले अच्छा लगे, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।